नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, इंडिया गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी चालू कर दी है। इसमें अगर आपने पहले से मोबाइल एप्लीकेशन इसका डाउनलोड किया हुआ है मोबाइल बैंकिंग का, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट ऑप्शन के अंदर एक फीचर्स आएगा जो कि ATM कार्ड आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ आप जैसे करेंगे यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो ओपन करने के बाद यहाँ आपको यूज़र नेम और मोबाइल पिन आपने जो क्रिएट किया होगा वो डालना है। अगर आपने अभी तक मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किया है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र नेम और एम पिन डाल के। यहाँ डालने के बाद आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट का, इस रिक्वेस्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन सब दिखाई देंगे जो भी है, ओपन टाइम डिपॉजिट, ओपन रिकरिंग डिपॉजिट, न्यू ATM कार्ड रिक्वेस्ट। तो ये सब ऑप्शन है। ओपन टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ATM कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ ATM कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे या टर्म्स कंडीशन है, आप इसको क्लिक करके भी व्यू कर सकते हैं इसके टर्म्स कंडीशन, और ये बॉक्स को आप क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ आपका अकाउंट नंबर जो है वो आ जाएगा। अगर आपका 2-3 सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ सारे अकाउंट नंबर आपको शो करेंगे ये एरो मार्क पे क्लिक करने के लिए, और आपका जो भी अकाउंट का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम होगा फर्स्ट होल्डर का, वो यहाँ नेम ऑफ द कार्ड पे आ जाएगा। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा। आपने जब इंटरनेट बैंकिंग चालू किया होगा उस समय आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट किया होगा, तो उसको आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ आपका सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, पर मेरा नहीं आया, फेल्ड मैसेज आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ATM कार्ड अप्लाई किया हुआ है और मेरे पास आ भी चुका है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा था। इस प्रकार से आप जैसे अप्लाई करेंगे आपका पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा और 10 से 15 दिन में आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। फिर यहाँ आप लॉगआउट पे क्लिक करके यहाँ लॉगआउट कर सकते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली लॉगआउट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको सारे डिटेल्स दे पाऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा के और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसी में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।